तो हाँ दोस्तों, ये रेसिपी मैं बताने वाली हूँ मिर्ची की चटनी। उसके लिए आपको चाहिए हरी मिर्ची, जो कि मैंने बिल्कुल भी तीखी नहीं लिया। आपको अगर तीखी मिर्ची डालना है तो तीखी मिर्ची भी डाल सकते हो, और हरा धनिया लिया है फ्रेश, और जीरा लिया है, कच्चा जीरा है जिसको मैं कूट लूँगी। पहले ये याद रखना, ये स्टेप भूलना नहीं, पहले हमको जीरे को अच्छी तरह से पीस लेना है या कूट लेना है। और ये चटनी में हमको बारीक बिल्कुल भी नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। और मैंने मिर्ची कुछ इस तरह से पीस ली है, जो कि एक कटर की हेल्प से, और धनिया भी मैं इसी में ही डालूंगी सारा। आप चाहो तो कूट भी सकते हो, जैसे मैंने जीरा को कूटा, पर आपको याद रखना है कि जीरा पहले कूट लेना है। तो धनिया भी पीस के रेडी हो चुका है, और अब मैं सबको मिक्स कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने सबको मिक्स कर लिया है, और इसमें अभी मैंने डाला है आमचूर पाउडर, आप कोई भी खटास डाल सकते हो, और नमक डाल के थोड़ा मैंने कूटा है इसको, तो मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा कूटा नहीं है, और एक बाउल में निकल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं लगा रही हूँ तड़का। तड़का लगाने के लिए जीरा और हींग का यूज़ किया है, और एक मिनट के लिए, एक या दो मिनट के लिए स्लो फ्लेम में आपको चटनी को अच्छी तरह से पका लेना है। ये चटनी आप एक महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हो, फ्रिज में रख लो, रोटी के साथ या परोठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। होप करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी।